डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि पीएसटेट में आते हैं। तो सबसे पहले जो है महाजनपद के बारे में अगर हम जाने तो 600 बीसी में जो है महाजनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट जो है वो बन गई थी। और अगर बात की जाए कि कितने महाजनपद थे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो है एंशियंट इंडिया में 16 महाजनपद थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो चार इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, कौन कौन से थे? मगध, काशी, वात्सा और अवंती। ये इंपॉर्टेंट है, 600 बीसी भी इंपॉर्टेंट है और 16 महाजनपद है ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो मोस्टली सभी को पता होगा कि कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो 4 कास्ट थी हमारी सोसाइटी में एंशियंट पीरियड से ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और शूद्र जो है वो क्या काम करते थे? मोस्टली इन तीनों को सर्व करते थे कि नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शूद्र जो है वो सर्व करते थे। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे पंचमार्क कॉइन्स आए, मतलब पहले जो कॉइन्स कैसे होते थे उनको पंच किया होता था। ठीक है, वेरियस सिंबल, अलग अलग तरह के सिंबल से पंच किया होता था और वो जो है कॉपर के भी हो सकते थे और सिल्वर के भी हो सकते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है अगर कोई आप मतलब कि पीएसटेट में क्वेश्चन आए कि पंचमार्क कॉइन्स जो हैं वो कौन कौन से होते थे। ठीक है, तो गोल्ड लिखा होगा, सिल्वर लिखा हो सकता है, ठीक है, कॉपर लिखा हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंच मार्क कॉइन्स हैं वो कॉपर और सिल्वर कॉइन्स होते थे। ठीक है, सो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो जैनिज्म से भी क्वेश्चन बनता है। इसके जो है 24 तीर्थकार थे और लॉर्ड महावीर स्वामी जो थे वो 24 थे और पहले जो थे वो ऋषभदेवा थे। जैन्स जो हैं उन्होंने एक्सेप्ट की है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैन्स जो थे उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है, लेकिन बुद्धिज़्म जो है बुद्धा जी ने नहीं किया। ठीक है, और इनके जो है थ्री रत्न थे जिन्हें हम त्रिरत्न भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, जैनिज़्म में त्रिरत्न है, ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है, क्योंकि बुद्धिज़्म में जो है त्रिपिताकास दिए हुए हैं, तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैनिज्म के त्रिरत्न हैं और त्रिपिताकव जो है वो बुद्धिज्म की हैं। तो त्रिरत्न इनके कौन से हैं? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम मेन टीचिंग्स की बात करें बुद्धिज्म की, तो उसमें क्या क्या था? वी शुड कंट्रोल अवर डिज़ायर्स, हमें अपने डिज़ायर्स, हमारी जो इच्छाएँ हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, और हमारा जो लिवलीहुड है उसे कमाने के लिए अच्छे साधन उपयोग करने चाहिए और हमारा जो एक्शन है वो भी कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटी से रहना है, हमने किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। और फिर है वी शुड नॉट किल एनीबॉडी, मतलब कि ये जो है वॉयलेंस को रिजेक्ट करते थे, स्टीलिंग को रिजेक्ट करते थे। ठीक है, ह्यूमैनिटी पे ये बिलीव करते थे। इम्पॉर्टेंट इसका यही है कि जैनिज्म में बात जो है त्रिरत्न की गई है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 24 तीर्थकार वाला भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर त्रिपिताकास की बात की जाए तो त्रिपिताकास जो है वो बुद्धिज़्म की हैं। जैसे इसमें त्रिरत्न है, इसके जो तीन बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें बताए गए हैं और बुद्धिज़्म में जो है मोस्टली 8 जो है प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि बिंबिसार का रूल जो है कब से कब तक रहा, क्योंकि ये पीएसटेट के सिलेबस में है। ठीक है, तो वो था 543 बीसी से लेके 492 बीसी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि बीसी की फुल फॉर्म क्या है, एसी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बीसी मींस की बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें मिनिस्टर्स जो है उनको मात्या कहा जाता था। कब कहा जाता था ये भी आपको बता देती हूँ, जो चाणक्य था उन्होंने मिनिस्टर्स को अमात्या मतलब यूज़ किया था वर्ड अमात्या। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मेन ऑक्यूपेशंस कौन कौन सी थी उस टाइम पे, पुराने टाइम पे एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग, सिर्फ लोग जो हैं वो पशुपालन करते थे और खेतीबाड़ी करते थे। जैनिज्म के जो हैं 24 तीर्थकार हैं। ठीक है, पहले तीर्थकार इंपॉर्टेंट है और दूसरे, पहले थे ऋषभदेवा और दूसरे थे महावीर स्वामी जी। ठीक है, गौतम बुद्ध की अगर हम बात की करें तो गौतम बुद्धा जी का जो रियल नेम था क्या था? सिद्धार्थ था। रियल नेम इन द सेंस कि बचपन में जो है उनका नाम क्या रखा गया था, तो बचपन में उनका नाम था सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। फिर अगर हम बात करें
लॉर्ड महावीर जी जो हैं उन्होंने 30 साल तक जो है गृहस्थ जीवन बिताया और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मगध, मगध क्या है, एक तरह से एक महाजनपद है। हमने देखा ना अभी कि 16 महाजनपद होती हैं, तो उनमें से मगध जो है वो एक महाजनपद है। अजातशत्रु जो है वो एक राजा है। वाजी किसे कहते हैं, रिपब्लिक किंगडम को कहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि वज्जी किसे कहते हैं, रिपब्लिक को कहते हैं, श्रेणी गिल्ड को कहते हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है। बुद्धा, उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया था, मैंने बोला ना 8, तो उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया था, और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। तस्वंथा को तीरंतकारा कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो हैं बन सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद 16 महाजनपद थे, ठीक है। बिंबिसार का रूल आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो टाइमलाइंस ये होती हैं वो कन्फ्यूजिंग होती हैं, ठीक है। आपको ये याद रह गया कि 5-4 है आगे, है ना, तो कई बार पूछा जा सकता है कि 5-4-2, 5-4-1, 5-4-3, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मिनिस्टर्स को क्या कहते थे, अमात्य कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल एग्रीकल्चर टैक्स जो था वो 1/6 था, ठीक है। और जैनिज्म के जो हैं 24 तीर्थंकर थे, ठीक है, अभी हमने देखा। गौतम बुद्धा जी जो हैं वो सिद्धार्था के सन नहीं थे, सिद्धार्था उनका ही नाम था, ठीक है। गौतम बुद्धा जी का पहला नाम जो है वो सिद्धार्था था, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वैदिक लिटरेचर पे, आपको जो है महाजनपद जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वैसे तो सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, 4 यही पूछे जा सकते हैं, मगध, काशी भी कह सकते हैं इसे, वात्सा और अवंती के बारे में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं बन जाते हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म से भी जो है 1-2 क्वेश्चन कई बार बनते ही हैं, तो इसमें जो है आपको त्रिरत्न और त्रिपिताकस का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही त्रि से हैं, तो अगर जैनिज्म का है तो त्रिरत्ना, और अगर त्रिपिताका है तो वो बुद्धिज्म का है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर ये बाई चांस क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने कहा था मिनिस्टर्स को अमात्य, ठीक है, तो कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, और उनकी बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र, और कई बार जो है पेपर में पूछी भी गई है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है मोस्टली बनते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है मोस्टली क्वेश्चंस महाजनपद के देखे हैं कि कैसे कैसे बन सकते हैं पी एस टेट में। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।